समाचार भी गिरा है। आइए ले चलते हैं देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के नगर मुगराबाद शाहपुर में 11 अगस्त को होने वाला ऐतिहासिक अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन के सदर पद के चुनाव को लेकर 4 प्रत्याशियों मोहम्मद आजम राइन, मोहम्मद जफर, तहसीमुल हक बन्ने भाई व हाजी सल्ले अलार लारी ने आवाम के बीच में जाकर प्रचार प्रसार किया। सभी प्रत्याशियों ने नुक्कड़ सभा के माध्यम से गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखने तथा मुस्लिम समुदाय के प्रति हक की लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को भरोसा दिलाया। वहीं मोहल्ला सिपाह में स्थित हिदायतुल स्कूल के पास नुक्कड़ सभा में आवाम को संबोधित करते हुए प्रत्याशी आजम राइन ने आवाम से तमाम वादा किया। क्या कहा आजम राइन ने, आप खुद सुन लीजिए। पेश है सपनियर की खास रिपोर्ट। 6 साल बाद एक बार फिर आपको मौका मिला है अंजुमन रिफाउल मुस्लिमीन के सदर को चुनने का। ये मौका रोज नहीं आता है। 5 साल बाद आपको ये ताकत मिला है कि आप अपने मुताबिक सदर को चुने और सदर ऐसा सदर चुने कि जो अंजुमन को चला सके, कौम को एक साथ लेकर चल सके, जो गंगा जमुनी तहजीब को भी एक साथ लेकर चल सके। ये सिराजे हिंद जनपद जौनपुर का एक कस्बा मुगराबाद शाहपुर है। गंगा जमुनी तहजीब जनपद जौनपुर से पूरे उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। आज वो मौका आपके हाथ में आया है। कल 11 तारीख को आपको इंतखाब करना है कि हमारा सदर कैसा होगा, हम कैसे लोगों को बागडोर दें, हम कैसे लोगों को इख्तदार दें जो यहाँ के अंजुमन को चला सके बखूबी। मैं आपके बीच का नौजवान आज आपके वजह से, आपकी मोहब्बत है कि आप लोगों ने मुझे उस लायक बनाया, मैं सदर ओहदे का चुनाव लड़ रहा हूँ। इससे कभी भी मैं चुनाव लड़ा था, मुझ में कोई कमी रही होगी, अल्लाह को नहीं मंजूर था मैं उस चुनाव को हार गया। लेकिन चुनाव हारने के बाद मैं घर में नहीं बैठा। मेरे नौजवान साथियों, मैं लगातार आवाम के बीच में रहा, आज भी मैं सभासद हूं और सभासद रहते हुए मैंने कई काम को अंजाम दिया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। मेरे नौजवान साथियों,